तो गाइस ये देखो हम पहुंच गए ठंडा ठंडा। ये देखो व्यू के साथ, देखो पूरा पत्थर 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 ऐसे बना हुआ। तो चलो आंटी मामा के साथ आओ। कद्दू, ये देखो कद्दू। नानी आप पकड़ के बनाओ, थोड़ा ठीक से पकड़ना, वहाँ ध्यान दो ना, हिल जा रहा सारा। इसे पकड़ो ऐसे, कद्दू कर रहा है, कद्दू है बाप रे। बोलो ना कुछ हमारे दर्शकों को, बोलो। मैं आंटी को ले जाती हूँ। ये देखो यहाँ से, देखो नीचे से ऐसे ढलान में घर है। बाप रे, पहले पहले मम्मी ने उठाया आंटी को, अब मैं उठाती हूँ। थक गया अब। हाँ जी आंटी, अल्ले नानी। चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ बाप रे, हाँ बाप रे। पता नहीं धूप में, पता भी नहीं चल रहा है कितनी चढ़ाई है। भगवान, बड़ा भारी दूर है। चलो जाओ, टाइसन भी है। नमस्ते एडी, चलो अंदर। इसको बटरफ्लाई दिख गया। बटरफ्लाई वहाँ बहुत मिलेगा। अच्छा बटरफ्लाई लेंगे एडी के लिए। इसे बटरफ्लाई चाहिए एडी को। मैं कहाँ से बटरफ्लाई लेके दे दूँ। ये देखो, ये है हमारे सारे रिश्तेदार। नमस्ते एडी, नमस्ते करो सबको, जय कर दो, जय कर दो। नमस्ते एडी, हेलो कर दो। दूसरी नानी, ये भी हमारी नानी है। नमस्ते। और वो इनका डॉगी टाइसन। टाइसन ओ इन्हें खाता है, इन्हें बोलो कुछ भी नहीं बोलेगा। टाइसन, हेलो टाइसन, किसी करेगा सुन। टाइसन टाइसन, वो छोटा था अगले साल नीचे बुरवा गांव उधर होगा। हाँ जी हाँ जी। लास्ट ईयर हमारे पार कोलंगाव में हुआ था। कोलंगाव, कोलंगाव। अच्छा अच्छा अच्छा। और तीसरे साल होता है। हाँ जी हाँ जी, बड़ा। हाँ हाँ हाँ। वैसे पूजा तो हर तीनों गांव में होती है, मेला हर तीसरे साल बारी बारी मनाया जाता है। अच्छा, तो ये कोई महत्व, कोई कारण होता है ये मेला मनाने का? देवते की पूजा इस टाइप में है। तो देवता भी आते होंगे? हाँ देवते भी आ रहे, द्रुपद है साथ में इनका। कौन कौन से? सृष्टि नारायण आया है, सृष्टि नारायण, तो गौतम व्यास का है, कंचन नाग का रथ आया है। हाँ जी। फिर शंख नारायण का रथ आया वहाँ है। फिर बुरुआ से जमदग्नि ऋषि के क्या नाम आए हैं, कुलंग से हमारे जमदग्नि ऋषि के क्या नाम आए हैं सारे। अच्छा, सारे रथ वगैरह यही आएंगे। तो कल देखने को मिलेगा? नहीं अभी मिलेगा, आज ही देखने को मिलेगा। आज मिलेगा, कल भी मिलेगा। ठीक है ठीक है, कल लास्ट होगा। अच्छा, आप यहीं के हैं? नहीं, हम उधर पार कुलंग गाँव से आए। आप कुलंग गाँव से आए, तो आपके यहाँ रिश्तेदार वगैरह रहते होंगे, है ना? ठीक है, आपका नाम अंकल जी? मेरा नाम है बी पराशर, इंग्लिश गाइड बोलते हैं मुझे। अच्छा, इंग्लिश गाइड बोलते हैं। आप क्या गाइड करते हैं, गाइडिंग करते हैं यहाँ पे? टूरिस्ट गाइड हूँ। अच्छा, टूरिस्ट गाइड मनाली में की है? वहाँ मनाली रोहतांग के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, टूरिस्ट क्या आप, सॉरी बी पराशर आपका नाम है ना? अच्छा, तो आप टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे देखिए गाइस, हेलो जी, आप लोग ने बहुत बढ़िया डांस किया, बहुत बढ़िया डांस। अब चाय पानी? हाँ, कुछ चाय और पानी पियेंगे, कुछ लाल रंग का पानी पियेंगे। अच्छा, लाल रंग का पानी। ठीक है गाइस, तो इनका यहाँ पे एंजॉयमेंट हो रहा है। इसके बाद तो गाइस, ये इतना सा कवर कर दिया हमने, तो अब हम इधर नीचे नीचे की तरफ जाते हुए वेट करेंगे। अब हमारा नीचे भी हमारे छोटी नानी के घर में भी यही फंक्शन होगा, यही डांस। और ये देखो, ये काउ शेड है यहाँ पे गाय के लिए। और ये देखो, ये आर्ट आर्ट है, ये ऐसे बनाया होता है ना गाँव में, घरों में। हाँ, और ये उससे बनाया होता है ना, चील के उससे। हाँ, ना? पेड़ से, पेड़ का जो वो होता है पाउडर ना। हाँ, पाउडर, देवदार के पेड़ का ना। हाँ, देवदार के जो पेड़ का पाउडर होता है उसे इकट्ठे करके उससे ये आर्ट बनाया जाता है। ये देखो, गीला करके कितना अच्छा है ना। और गाय को यहाँ रखा जाता है। नाइस नाइस नाइस।
ऐसा एरिया है। यहाँ पे जो देवता देवते जी का जो सामान होता है ना, वह चाहे वो राशन हो या ड्रम्स हो या थाली कुछ भी हो, देवता जी के लिए जो सामान होता है वो सब यहीं रखा जाता है। कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही ब्यूटीफुली। नमस्ते जी, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा डेकोरेट किया इन्होंने। ये शर्मा गई वो आंटी लगता है। और देखो ये जो आर्ट वर्क है, ये देखो कितना ब्यूटीफुली है ना बनाया हुआ। ये देखो अगर आप दरवाजे की तरफ ऐसे देखोगे ना, ये जो बनाया हुआ आर्ट वर्क है, ये वुड पे लकड़ी के ऊपर पूरा बनाया गया है, आप देख रहे हैं ना। ये मिट्टी का बना हुआ है पूरा। यहाँ देखो गाइस, यहाँ सामने से ये बैक एरिया है। ये देखो पुराना घर है, साथ में पुराने जमाने में कैसी खिड़कियाँ होती थी ना, इतनी छोटी छोटी, देखो कितनी छोटी खिड़कियाँ होती थी। देखो गाइज, आज का दिन तो बहुत अच्छा बीतने वाला है। अरे यार मैं को तो अलग ही खुशी हो जाती है ये ऐसे वाले घर देख के। मन करता है एक रात के लिए ऐसे घर में रहूं। आज तो वरुण हमारे साथ आए नहीं क्योंकि उनका ऑफिस का काम है, वरना वो होते तो उन्हें तो और भी मज़ा आता ये सब देखने का, है ना। ये पुराने घर है ना, ये जो पत्थर कहाँ से लाए होंगे पता नहीं, जंगल से। जंगल, ये जंगल से लाया गया होगा पुराने ज़माने में। तो देखो इसे कटिंग कैसी हुई है, सोचो कितना मेहनत लगता होगा इसको बनाने में, बहुत ही ज़्यादा। और गाइज आपको मैं मिलाती हूँ, ये रिश्ते में मैं पहली बार मिली हूँ, बचपन में तब मिली थी। इनका नाम है कनक एंड शी इज़ 14 इयर्स ओल्ड एंड शी इज़ वेरी क्यूट। एंड इनको मैं लास्ट मिली थी बहुत साल पहले, जब ये छोटी सी थी, जब इनके सर में कोई बाल नहीं थे। अब है खूब बाल है। जब ये छोटी सी थी तब गंजू थी, अब और भी क्यूट और सुंदर बन गई है। मैं इनको बचपन में मिली हूँ, इनको तो ओबियसली याद नहीं होगा, उनके बाद आज मिली हूँ। तो यही मुझे पूरा एरिया थोड़ा गांव का आसपास घूमना फिरना यही करा रही हैं, क्योंकि मुझे तो इतना पता नहीं। और ये 10th क्लास में पढ़ती हैं, आज हम शायद पहली बार ही मिले बचपन के बाद। हाँ। है ना। तो ये घर कितना सुंदर है, देखो ना किस तरह से डिजाइनिंग की गई है इसकी नकाश। और ये जो होता है ये मिट्टी का बना होता है, इसमें मिट्टी, लाल मिट्टी और गोबर मिलाया जाता है ना। हाँ। तब बनता है ये। और देखो इस पे कितने मोटे मोटे लकड़ियाँ यूज की गई है एज अ फाउंडेशन और सपोर्ट के लिए। ये आगे से दिखाते हैं जरा, और ये देखो आगे की तरफ से, ये भी किसी का घर, बहुत ही बड़ा घर है ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा घर है। ये देखो गाइस, ये देखो पुराने जमाने में खिड़कियाँ कैसी होती थी ना। ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लकड़ी पूरी इतनी मोटी मोटी, पूरे पेड़ काट के बनाया गया है ये तो घर, बहुत ही ज़्यादा लकड़ी यूज हुआ है। ये स्टोर होगा है ना, कि ये बरांडा ऊपर जाने का रास्ता यही होगा। आपका घर है अंकल, आपका घर बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है, पुराना है। पुराना है तभी तो सुंदर है, सीमेंट के घर से 100 गुना अच्छा है। बहुत सुंदर है। हाँ, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म। बैठिए अंदर।
नहीं नहीं आपके बाद में। ये देखो ये तो आप कम से कम कितने पुराना होगा, आपके पूर्वज के टाइम का होगा ना ये घर, कित 300 साल से भी पुराना होगा। अब ये तुम्हें कह नहीं सकता है इतना, आप यहीं पैदा हुए होंगे, आपके जो डैडी जी थे बिल्कुल वो भी यहीं पैदा हुए, उनके जो डैडी थे वो भी यहीं, तो लगा लो 200 साल से ऊपर का ही घर है ये भी ना, 200 साल से पुराना ही घर है। अच्छा, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना ये जो लकड़ियाँ है पूरी की पूरी पेड़ काट के बनाई है, क्योंकि ये कारण ऐसा था उस वक्त का वो जमाना, ये पूरे पूरे पेड़ इसलिए लगे हुए है क्योंकि यहाँ 6-6 फीट बर्फ पड़ती थी पुराने जमाने में, 6-6 फीट बर्फ पड़ती थी तब इतनी ऊंचाई पे घर होता था। मकान छत को सहन करने के लिए तो मकान भी तो वैसा ही चाहिए। और ये तो इसलिए पेड़ तभी लगे हुए, पेड़ का ही तभी इतने ऊंचे बनाए हैं ताकि, थोड़ा टेक्नोलॉजी का वो भी नहीं था, वो जमाना नहीं था, आज टेक्नोलॉजी आ गई, सीमेंट वगैरह पुराने जमाने में नहीं होता था, मगर देखो सीमेंट वाले घर टूट जाते हैं, जंगल भी बच गए, जंगल भी बच गए, और यही वाले घर देखो आज भी ठीक ठाक हालत में है ना। बहुत ही प्यारा घर है अंकल जी आपका, आना बैठना ठीक है, ऐसी रखना हमेशा ऐसे मेंटेन्ड, बहुत प्यारा है। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, ऐसे घर को तो हम तरसते हैं, ऐसे घर हमारे पास होता काश। थैंक यू जी। ये देखो वो कह रहे पुराना घर है, मगर देखो चीज ही अलग है ना, हम दिल्ली में जो नीचे शहरों में हम रहते हैं ऐसे घरों को तरसते हैं, यहाँ भी लोगों ने बस सीमेंट का ही घर बनाया है, वो पुराने घर छोड़ के निकल रहे हैं ऐसे घरों नए घरों में रहने के लिए, मगर जो खासियत है ना इस घर की वो चीज ही अलग है, वो जो खुशबू मिट्टी से जुड़े रहना वो बात ही अलग होता है इस ऐसे घर में रह के। तो गाइस देखो यहाँ पे शॉपिंग हो रही है, आंटी जी सुंदर लग रहे हैं बहुत ही ज्यादा, और कोई भी लगा लो रंग, लाल ही लगाते हैं, लाल भी लगाते हैं। अच्छा लाल लाल रखे रही है, लिया आपने बिंदी, बिंदी ले लिया एक एक, दो दो लिया। अच्छा ये लोकल ड्रेस देखिए आंटी का कितना सुंदर लग रहा है, इसे बोलते हैं पट्टू है ना आंटी, पट्टू, और ये जो इनके यहाँ पे है ये चांदी का, इसे कहते हैं बुमनी। ये देखो ये निडल होता है पूरा, इतना बड़ा सुई होता है उससे अंदर को पहना जाता है। ये देखो आंटी कैश निकालते हुए बिंदी के, ये देखो कितना भारी है ना ये, एक मिनट, ये पूरा चांदी का बनाया हुआ आंटी का, चांदी का ये बहुत पुराना होगा ना आपका, ये बहुत भारी है, मैं देखती हूँ ऐसे, ये देखो कितना भारी है सच्ची में ना, किलो होना नहीं है बहुत ही ज्यादा भारी है। अच्छा तो आप हर ऐसे फेस्टिवल में पहनते हैं, ये देखो सुंदर लग रहे आंटी, ऐसे कर दो, वाओ मॉडलिंग कर रही है आंटी हमारे लिए, थैंक यू गाइस। एक चीज दिखाती हूँ आप हैरान हो जाएंगे, ये देखो ऐसे पत्थर पत्थर लाइन से लगाए हैं ना, सोचो कितने साल पुराना होगा। अब देखो इसी के ऊपर ही घर मिलेगा आपको, ये देखो डर लग रहा है ना सोच के कि अगर गिर गया तो क्या होगा, पर होगा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, पता नहीं सपोर्ट ऐसा बनाया होता है इन्होंने, देखो एक पत्थर ये तो फिर ये चढ़ाया, फिर ये एक दूसरे को पत्थर पत्थर ही चढ़ाया, ये देखो बीच में से ऐसे पत्थर निकाल भी दोगे, निकल भी जाएंगे दो चार, उसके बावजूद भी ये खड़े रहेगा, कोई तरीका होगा जिससे इसे ऐसे बनाया गया। अभी देखो बहुत पुराना है तभी तो ये पूरे हरे हुए पड़े हैं, ये देखो गाइस ये पानी चुर के आ रहा है कहीं से घर के अंदर से ही ना, ऐसे लग रहा है कहीं से, जैसे कहीं से पानी आ रहा है, ये देखो पूरे नीचे तक है, ये पूरा लकड़ का ही घर है जो बना हुआ है, शायद अब तो कोई रहता होगा भी इसमें, कोई लगता हाँ रहते हैं ना, हाँ सामान पड़ा है किसी का। तो देखो यहाँ से आगे को जाके दिखाती हूँ, आगे तो और भी सुंदर लग रहा था, आगे से मैंने देखा इस घर को मुझे बड़ा ही सुंदर लगा, ये देखो जो एक लेयर मैंने नीचे दिखाया था ना उसके ऊपर ये दूसरी लेयर है, देखो गाइस दूसरी लेयर है ये तो देखो पूरा लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन जो देखो पूरी सीधा कैसे आई होगी, यही तो होते हैं देखने वाली चीजें, देखो कितना सुंदर लग रहा है आगे तक, वो देखो दो प्यारी लेडीज आते हुए,
हेलो जी, नमस्ते आंटी, बहुत सुंदर लग रही हैं। ओ बहुत सुंदर। गाइस तो शाम हो चुकी है और एडी भी नींद से उठ चुका है और शाम के 6:58 मतलब 7 बज गए हैं। तो मैं अभी एडी को नीचे लेके जा रही हूँ, नीचे ग्राउंड में। छोटी नानी भी, हम सब नीचे मंदिर की तरफ जाएंगे। मंदिर इधर है ना? ओके, मंदिर की तरफ जाएंगे, देखते हैं। ओके, तो यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे हम, वहाँ पे डांस प्रोग्राम वगैरह होगा। ये रात 2-3 बजे तक शायद चलता है, ऐसे कह रहे थे, मतलब देर रात तक चलता है। तो अभी नाटी, जो लोकल डांस होता है, जो ड्रेसअप करके करते, वो किया जाएगा। तो जाके देखते हैं गाइस, अभी